आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेसी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर में कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को सौंपा। तो वही संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के नेतृत्व में ब्लॉक ऑफिस पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। तो दूसरी तरफ श्रावस्ती के ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस ने हल्ला बोल के और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो ये आप तीन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर से है, तो वही दूसरी संबल और तीसरी श्रावस्ती से है, जहां कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। ये वही प्रश्न है जो श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाए थे कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्या रिश्ते हैं, और ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में है ये किसके हैं, ये बताया जाए। आज चूंकि लोकतंत्र पूरी तरीके से तहस नहस की स्थिति में है, एक आदमी को बचाने के लिए पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है, सिर्फ अपने मित्र को बचाने के लिए पूरे देश के। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में प्रयागराज के चाका ब्लॉक स्थित दांदूपुर संविलियन विद्यालय में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, जिसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वही संबोधन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभिन्न शहरों में मंत्रिमंडल के लोगों द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के नए सत्र में नौनिहालों के पंजीकरण कराकर स्कूल तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति कराए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो शिक्षा से अछूता रहेगा, और इसके आज से ही नामांकन का शुरुआत हुआ है, और आज ही से हमारे स्कूल में पुस्तक वितरण का भी प्रोग्राम किया गया है और मेला लगे। और नाम बता दीजिए। निशा साहू, यूपीएस दानुपुर चाका प्रयागराज। विधायक और हमारे शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है, और हम सब ने काफ़ी और भी सारे टीचर्स हैं उन लोगों ने मिलकर टीवी स्टॉल लगाई है, और सभी अपने स्कूलों में क्या नवाचार कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम सब लोगों ने अपनी स्टॉल लगाई है और किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम सभा ऋषि और उच्च प्राथमिक विद्यालय पप्पा का प्रयागराज। हमारी प्राथमिकता वो बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे जो पढ़ते ही नहीं थे। अब कोई ऐसा बच्चा अभियान के तहत नहीं बचेगा जो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा तो अच्छी शिक्षा उसको देने का सरकार ने जो लक्ष्य लिया है, मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में 100% कामयाबी मिलेगी। आपने देखा कि इन बच्चों की संख्या कितनी बड़ी है, मुझको तो लगता है। कानपुर के कपड़ा मार्केट में हुई आग की घटना के बाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मार्केट में लगी आग का उन्होंने जायजा लिया और बाद में कपड़ा मार्केट के अध्यक्ष और व्यापारियों के साथ एक बैठक की। उनसे आग लगने से नुकसान के बारे में बातचीत की, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सबसे पहले व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। यहाँ से 3,000 करोड़ रुपए महीने का व्यापार होता था, सरकार को सबसे पहले व्यापारियों को हर्जाना देना चाहिए और उन्हें कारोबार करने के लिए जल्द से जल्द नए स्थान की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए। जिम्मेदारी और जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। दूसरी, ये जो डर है उनको, जो व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है कि आग के बहाने जो विभाग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो परेशान न करें इनको, क्योंकि प्रशासनिक तौर से भी हो सकता है इनके ऊपर परेशानी आए, इसलिए सरकार को संबंधित विभाग।
प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी हंडिया तहसील के कोट दक्षिण गांव में विद्यालय में वार्षिक उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सराय पीठा बाजार में नंदी सेवा संगठन के सक्रिय सदस्य सुभाष चंद्र गुप्ता के घर पर रुककर वैश्य समाज के लोगों का हालचाल जाना और मीडिया ने जब मंत्री नंदी से पूछा कि आप हंडिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं लोकसभा के लिए जमीन की तलाश तो नहीं कर रहे, तो वही मीडिया के सवालों पर मंत्री नंद गोपाल ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, हमें जमीन तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का अपना परिवार है और इस प्रदेश की बागडोर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। इस प्रदेश के अंतिम गाँव के विकास के रास्ते पर से पहुँचे, अंतिम नगर तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो जमीन का आदमी रोज अक्सर आप देखते होंगे, कभी कहीं दौरा करते हैं। खबर कुशीनगर से है जहां समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष के गृह जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। सभी ने पार्टी के निर्णय की सराहना की। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि लखनऊ से जिला अध्यक्ष का काफिला सीधे कुशीनगर पहुंचा, जहां जनपद की सीमा पर पहुंचते ही सपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया और माला पहनाया। हम मैक्सिमम सीटों को जीत करके समाजवादी पार्टी को झोली में डालने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता में बहुत ही जोश और उमंग है, इस समय क्या कुछ कहेंगे? जोश उमंग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज में नफरत का बीज बोया है, जो SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों का जो हक छीन रही है, और देश में जिसमें हम आप कुशीनगर के भी साथी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे जब तक जनपद में प्रवेश किए हैं, जगह जगह बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बड़े जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। और ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है, जमीन से जुड़ा हुआ जब कार्यकर्ता किसी पद पे जाएगा तो अपने पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी बुलंदियों पर लेके जाएगा। हम सभी आशा करते हैं कि आने वाले आगामी नगर पालिका नगर पंचायत निकाय चुनाव में रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में तैनात उप निरीक्षक से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और जूनियरों के उत्पीड़न को उजागर करते हुए कई थाना प्रभारी समेत रायबरेली पुलिस अधीक्षक को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल उपनिरीक्षक ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है। खिलाफ रिपोर्ट लेकर के कि ये जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, ये करते हैं, और इसके बाद मुझे जो है ये सब प्रताड़ित करते रहे। जैसे छुट्टी से वापस आए तो हमारा ऊंचाहार से ट्रांसफर थाना सलवट कर दिया गया। श्रावस्ती में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और खेतों में खड़ी गेहूं की फसल के साथ साथ लाहा मसूर मटर की फसल किसानों के घर भी नहीं पहुंची है। खेतों में लगी फसल बेमौसम बरसात से बर्बाद हो रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के फसलों के नुकसान होने की भरपाई करने की बात तो करती है, लेकिन फसलों के नुकसान की भरपाई नहीं करती है। अभी तो धूप निकला हुआ है, बयार चलत है, क्या फसल को कैसा नुकसान हो रहा है? ज्यादा नुकसान है, सब गिर गया, दोनों उठी थोरो। तो कितना बीघा आपका नुकसान हुआ होगा? ज्यादा भवाल 15-16 बीघा तक के गेहूं है नुकसान हो गया। तो उसकी भरपाई तो सरकार कह रही है कि हम करेंगे, कोई ना कहे भरपाई क्यों कहाँ कह पाए, अगर कोई देखे है तो कह पे है निकसा है, सब टिप टखा खराब हो जी, सब लहा झर जी हुए नीचे। फसल को और किस तरह से नुकसान हो रहा है? गेहूं तो साहब जी मेरे को होगा कि पूरा गिर गया है एकदम, अब गिर गया है मेरे को मान दाना तो बिल्कुल ना लगे। सर नुकसान और कौन कौन से फसल को हो रहा है? अब बरसात से लाहा नुकसान हुआ, गेहूं नुकसान हुई जी,
मसूरी का नुकसान हो जी, मटर है मटर का नुकसान होगा। गिर गया, गिरे के बाद में हम वो जो जमीन पकड़ ली से जमाव ले ली, बाकी जो है महीन दाना हुई गई धीरी पीरी। लगभग कितना नुकसान हो गया? कम से कम 3-4 बीघा हमारा नुकसान हो गया। अच्छा, बचा नहीं पाएंगे अब उसको आप? अब उसको कहाँ बचा पाए, वो तो जो उनको गवाह तुम गवाह फिर वापस आई। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसटीएफ लखनऊ और पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की। तस्कर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से स्मैक लाकर यूपी के विभिन्न जनपदों में बेचते थे। आरोपियों के कब्जे से 25 लाख की स्मैक और कार भी बरामद की गई है। ये अपराधी विभिन्न राज्यों में मादक पदार्थ स्मैक की सप्लाई करते हैं। इनके पास से 230 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, एक जाइलो कार, 2,10,000 रुपए लगभग कैश बरामद हुआ है। इनके गिरोह के अन्य व्यक्ति सहारनपुर में उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां अन्य विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी सदर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के संपूर्ण समाधान दिवस में अब तक 20 शिकायतें आई हैं और 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व से प्राप्त हुई है, इसके अलावा अवैध कब्जे से और विद्युत विभाग से है, उसके बाद सप्लाई विभाग और खाद्य विभाग से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। समाधान दिवस में लगभग 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 का निस्तारण मौके पर किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व की जो ग्राम समाज की भूमियाँ हैं, उनसे कुछ कब्जे की शिकायतें आई थी, जिनके लिए टीम आज ही भेजी जा रही है, उनको शीघ्र ही कब्जा मुक्त करा लिया जाएगा। मुख्य शिकायतें किस तरीके की आ रही है मैडम? कोई भूमि के संबंधित है, कुछ कब्जे के संबंधित है, क्या मुख्य शिकायतें क्या? देखिए, मुख्य शिकायतें हरदोई में लालपालपुर चौकी पुलिस बच्चों पर दबाव बनाकर उनसे सफाई करवा रही है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो के बारे में पता करने पर बताया गया कि जब पुलिसकर्मी चौकी पर मौजूद थे, उसी समय एक नाबालिग बच्चे से एक पुलिसकर्मी ने चौकी के सामने झाड़ू लगवाया था, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वही सूत्रों की माने तो चौकी के आस पड़ोस के लोगों की अगर कोई शिकायत करता है तो ऐसे में उनके बच्चों आदि से साफ सफाई तक करवा ली जाती है। खबर संभल से है, जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के नेतृत्व में ब्लॉक ऑफिस पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जहां भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों पर बोलते हुए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने कहा कि आज देश की जो हालत है जनता देख रही है, हर तरफ अव्यवस्था भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलता है तो सरकार उसे जेल में डाल देती है। दो और दो चार भाइयों की सरकार के खिलाफ राहुल जी ने ये प्रधानमंत्री जी से पूछा कि अडानी आपका कौन है। अडानी पे 20,000 करोड़ रुपया जो आया बाहर से, वो किसने दिया, कहाँ गया, कैसे गया, इसका जवाब चाहिए। लखनऊ के नगर आयुक्त नगर निगम के जोन 3 स्थित विवेकानंदपुरी वार्ड में स्वच्छ वातावरण समिति की बैठक में पहुंचे। इस बैठक में नगर आयुक्त ने स्थानीय लोगों से वार्ता कर नगर में साफ सफाई व्यवस्था बरकरार रखने हेतु जागरूकता का प्रसार करने की अपील की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निस्तारित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं नगर आयुक्त ने क्षेत्र में नियमित रूप से फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव, नालियों एवं सीवर की साफ सफाई इत्यादि कराए जाने के भी दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
हरदोई के कोतवाली इलाके में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहा था, जहां गीली जमीन होने के कारण वेल्डिंग करते समय करंट जमीन पर उतर गया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई करने की भी बात कही है। लगने से नीचे काम कर रहे थे तो अर्थ लगने से हो गई। कहाँ, किसकी दुकान पर काम कर रहे थे? ये नाजिम दुकान, नाजिम बाड़ी वाले के यहाँ काम कर रहे थे। तो इनकी मौके पे मौत हुई थी या जिला अस्पताल में मौत हुई? मौके पे हो गई, यहाँ लाए, यहाँ तो मृत घोषित कर दिया। आप कौन है इनके? इनके सगे संबंधी हैं, घर के हैं। गाजियाबाद की थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने 22 मार्च को अपहरण के बाद हुई हत्या का खुलासा किया है, जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग रिपब्लिक पुलिस ने अपहरण कर हत्या को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि 22 मार्च को दीपक को चार लोगों ने अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। बता दें कि दीपक की हत्या उसके ही दोस्तों ने की थी और जानकारी के मुताबिक बार बार मांगने के बाद भी रुपए नहीं लौटाने में नाकाम रहे आरोपियों ने अपने ही दोस्त दीपक का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया था और हत्या के बाद शव को हिंडन नदी में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद फेंक कर फरार हो गए थे। पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद ये पोस्टमार्टम बाद ये भी पता चला कि गले पे भी वार किया गया था और उस बॉडी को इन लोगों ने होंडा सिटी के माध्यम से ले जाके पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ऊपर जाते हुए हिंडन नदी के पास में इन लोगों ने फेंक दिया था, लाश को ठिकाने लगाया था। फिर साथ में जो स्कूटी थी, स्कूटी को भी इन लोगों ने गंगा के पास फेंक दिया था। तो काफ़ी ये इन लोग की जो घटना उस समय ये सनसनीखेज थी और उन्होंने बॉडी ठिकाने लगाया था, तो उस घटना का लेकिन तो खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां रुपए लौटाने में नाकाम रहे दोस्तों ने अपनी ही दोस्त की हत्या की साजिश रच डाली, जिसका पुलिस ने अब खुलासा किया है। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद पर गैंगस्टर केस में मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में बहस हुई। तो वहीं शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सन 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 में अफजाल अंसारी पर विधायक की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय के हत्याकांड के साथ ही रूंगटा हत्याकांड और उनके अपहरण के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं इस मामले में जजमेंट की अगली तिथि 15 अप्रैल 2023 को निर्धारित की गई है। 2005 में कृष्णानंद राय विधायक की हत्या के बाद 2007 में अफजाल अंसारी के ऊपर कृष्णानंद राय की हत्या के मामले को लेते हुए गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मुख्तार अंसारी के ऊपर कृष्णानंद राय के साथ साथ बनारस में नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और उनकी हत्या के मामले को गैंग चार्ट में दर्शाते हुए गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया। चंदौली में प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्कूल चलो अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकाली। वहीं इस रैली में बीजेपी विधायक और डीएम मुख्य रूप से शामिल हुए, जहां डीएम और विधायक ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों को संदेश दिया, जिसके बाद डीएम ने परिषदीय विद्यालय के बच्चों को पुस्तक वितरित किया। पीआरसी केंद्र से इसका प्रारंभ हुआ है। आज एक महीने तक स्कूल चला चलो अभियान के तहत सभी अभिभावकों को, बच्चों को, गांव के लोगों को जागृत करना है कि एक भी बच्चे न छूटें, सबका प्रवेश हो जाए, सब विद्यालय में जाएं, 6 से 14 साल के बच्चों को। संचारी रोग अभियान मुख्य तौर पर हम लोग आज यहाँ चकिया आए हैं, यहाँ पर माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ यहाँ पर किया। इसी प्रकार से प्रत्येक ब्लॉक पर भी बड़े आयोजन हम लोगों ने किए हैं और मकसद यही है कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बीच का हो। और ये कि कंपोजिट विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल अशोक कुमार कटियार को विदाई समारोह के दिन लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी है। प्रिंसिपल अशोक कुमार हर दिन की तरह अपने स्कूल के आखिरी दिन भी स्कूल पहुंचे और बच्चों को शिक्षा दी, साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। या अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा, मैं उससे आपके लिए
हम चाहते हैं कि हमें सरकार की सलाह कर दिया जाए, हमारे जाने के बाद किसी भी प्रकार की जो गलत भावना हो यो या सही भावना हो उसको बढ़ाने की कृपा करें। एवं पूरी न्याय पंचायत से आए हुए सभी अध्यापक बंधुओं, नौनिहाल बच्चों और ग्रामवासियों, आज विदाई बेटे की हो और चाहे विदाई किसी अध्यापक की हो या किसी समाज सुधारक की हो। सहारनपुर के कस्बा देवबंद में बाइक में लगा हॉर्न बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके चलते विरोध करने वाले और बाइक सवार के बीच मारपीट तक हो गई। वहीं मारपीट में घायल युवक ने बताया कि एक युवक ने अपनी बाइक में काफी तेज आवाज का हॉर्न लगवा रखा था। पीड़ित ने बताया कि युवक को हॉर्न बजाने को मना किया तो वो नहीं माना, जिसके बाद युवक और उसके परिजनों ने उस पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला भी कर दिया और पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वह पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। हाथापाई करी मेरे मारे, फिर वहां से छूट छुटा होगा, हम घर पे आ गए, अपने रोज अवतार कर रहे, रोज अवतार करके हम बैठे थे अंदर उसके 15-20 जनों ने आगे हमला करा सके, औरतों पे और बच्चे पर, वहां पे भी तलवार भी था हाथ में उनके, छुरे भी थे और बारी भी थी और लाठी भी थी। तेरी दे रखी है थाने में, और जाते भी हॉर्न बजाता था, तराबी पढ़ के आते भी हॉर्न बजाता था। मैंने सबके कम से कम 20 आदमियों के सामने मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई ये अच्छी बात नहीं है, इससे लोगों के दिल भी दुखते हैं, लोग परेशान भी होते हैं, ऐसे नहीं करते। मैं समझा के चला गया। उसने फिर कल जब मैं बाइक लेके बाहर निकला तो मेरे पीछे पीछे आया और फिर हॉर्न बजा रहा है मेरे पीछे पीछे आगे। मैंने उसके जो है मामू को सब कहा भाई तुम्हारा भांजा हॉर्न बजाता है, उसके मामू ने मुझे ये कहा कि। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।